असलकम डर स्टूडेंट्स क्लास सेवनथ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन हमने कम्प्लीट की है अब है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू उसमें है हमें ला ऑफ एक्सपोनेंट्स कुछ एक्सपोनेंट्स के कौन कौन से ला हैं वो हम एक्सप्ल करेंगे पहले उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे पहला ला क्या है उसमें मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस जहाँ पर बेस सेम होगी जैने पढ़ा है आपको बेस किसको बोलते हैं एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं इंडेक्स किसको बोलते हैं तो दिस नंबर अगर यहाँ पे a है ए रेजर पावर m a बेस है और m एक्सपोनेंट है तो अगर क्वेश्चन ला फर्स्ट बोल रहे हैं मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस अगर सेम बेस होगा पावर डिफरेंट होगी तो हमें क्या करना होगा वहाँ पे तो हमें पावर्स का ऐड करना है बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड जब बेसिस सेम होंगे पावर्स को ऐड करना होता है जैसे एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर लिखी है टू रेज पावर थ्री इंटू टू रेज पावर फोर बेसिस दो टू टू है और पावर्स डिफरेंट हैं तो पावर्स को ऐड किया टू रेज पावर सेवन तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू इंटू टू इंटू टू थ्री टाइमज़ एंड टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू फोर टाइम्स तो ये था लास्ट फर्स्ट अब है लास्ट सेकंड अब है लास्ट सेकंड क्या है डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम बेस जहाँ पे सेम बेस होंगे डिवाइड में और पावर्स डिफरेंट होंगे उनको क्या करते हैं उनको माइनस करते हैं तो उनको माइनस करते हैं तो पावर उसको माइनस करते हैं बेस को से कॉमन लिखते हैं बेस क्या है टू एंड टू डिवाइड में है लेकिन यहाँ पे पावर्स क्या है सेवन एंड फाइव तो टू इंजू सेवन माइनस फाइव वो होता है टू इंजू टू वो हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टाइम्स टू है और फाइव टाइम्स टू है वन टू थ्री फोर फाइव तो ये और ये काट हो जाएंगे फाइव और यहाँ पे भी फाइव काट हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव बचे कितने Is two, two into two. तो, two power, is बोलेंगे ना तो आया समझ अब ये था लास्ट से हमें अगर ए रेजर पावर एम रेजर पावर एन होगा ए रेजर पावर एम है यहाँ पे ए बेस है पावर क्या है एम और दोनों को फिर पावर है एन तो उसमें क्या करेंगे हम ए को काम लेंगे और पावर उसको मल्टीपल करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लूँगा टू रेजर टू रेज पावर टू रेज टू रेज पावर टू हो रेज पावर टू अगर थ्री अगर मैं लूँ तो उसको क्या करेंगे टू रेज पावर टू इंटू थ्री थ्री टू जिक्स तो टू रेज पावर सिक्स आएगा ये टू रेज पावर सिक्स आएगा इसको हम देख तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू रेज पावर टू इंटू टू इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टू स्क्वायर इंटू टू स्कैर इंटू टू स्कैर थ्री टाइम्स है ना तो स्कैर को अलग अलग करेंगे फिर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू तो कितने आए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये आए टू रेजर पावर सिक्स अब उसके बाद ला फोर क्या बोल रहे हैं मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम सेम एक्सपोनेट अगर बेसिस सेम होंगे पावर डिफरेंट सॉरी बेसिस डिफरेंट होंगे पावर सेम होंगे तब क्या करेंगे हमें यहाँ पे बेसिस को लेंगे ए बी और पावर को कामन लेंगे रेज़ पावर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फाइव रेजर पावर थ्री इंटू टू रेजर पावर थ्री दोनों में कॉमन है तो हम क्या करेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव इंटू टू इंटू टू टू यहाँ तक समझ आया आपस में मल्टीपल करेंगे एक एक करके फाइव इंटू टू फाइव इंटू टू एंड फाइव इंटू टू तो फाइव रेजर पावर तो फाइव इंटू टू रेजर पावर थ्री तो इसको भी हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे फाइव इंटू टू सॉरी टू रेजर पावर थ्री क्योंकि बेसिस जो डिफरेंट हैं बेसिस जो डिफरेंट लिखी है मैंने और पावर सेम है तो यहां पे भी यही आया। अब है डिवाइडिंग पावर्स विद और सेम पावर है ऊपर भी नीचे भी तो कॉमन लिया हमने दोनों का एम तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे थ्री बाई फोर को पावर्स दोनों का सेम है थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितनी दफा पांच दफा फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर पाँच दफ़ा यहाँ पे भी तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे ही अलग अलग लिख सकते हैं थ्री डिवाइड बाई फोर इंटू 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 थ्री डिवाइड वो हुआ ना थ्री डिवाइड बाई फोर कितनी दफ़ा वन टू थ्री फोर फाइव दफ़ा समझ आया अब उसके बाद है लास्ट सिक्स ला नंबर सिक्स बोल रहे हैं नंबर्स विथ एक्सपोनेंट ज़ीरो नंबर्स विथ एक्सपोनेंट ज़ीरो अगर एरेज पावर ज़ीरो होगा कहीं पे अगर बेस कुछ भी होगा लेकिन पावर ज़ीरो होगा तो आंसर वन ही आएगा फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे अगर हम ऐसे लिखेंगे डिवाइड में फाइव रेजर पावर थ्री फाइव रेजर पावर थ्री दोनों में सेम है बेस भी और पावर भी तो क्या करेंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव डिवाइड बाई फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव ऊपर वाले फाइव काट हो जाएंगे नीचे भी काट हो जाएंगे बचेगा वन इसी को बोलते हैं अगर हम कहीं पे पावर ज़ीरो लेंगे तो आंसर वन आएगा यह आप देख सकते हो फाइव को कामन लिया मैंने जैसे मैंने पिछली ला फोर में दिखाया था लास्ट सेकंड में दिखाया था डिवाइड में होगा तो पावर उसको माइनस करते हैं फाइव पावर बेस सेम है थ्री माइनस थ्री तो फाइव रेजर पावर जीरो ही आएगा ना फाइव रेजर पावर जीरो के आंसर आया हमें वन ये थे कुछ एक्स लाफ एक्सपोनेंट्स अब है एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फार्म इसको एक्सपोनेंशियल फार्म में कैसे लिखेंगे हम जैसे सिक्स पॉइंट टू वन में पहला दूसरा क्वेश्चन था वो भी ऐसा ही था तो इनका एलसीएम निकालेंगे हम पहले थ्री फोर थ्री का और वन थ्री थ्री वन का तो वो कैसे निकालेंगे थ्री फोर थ्री तो टू से नहीं होगा थ्री से भी नहीं होगा सेवन से हम देख सकते हैं क्योंकि फाइव से भी नहीं होगा खाली प्राइम नंबर से देखना है सेवन इंटू सेवन सेवन फाइव ज्यादा होता है थर्टी फाइव यहाँ थर्टी फोर ही है तो क्या करेंगे सेवन फोर जॉ ट्वेंटी एट सेवन फोर जॉ ट्वेंटी एट बचे कितने सिक्स ये बन गए सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री सेवन सेवन नाइन ज़ा सिक्सटी थ्री तो सेवन इंटू फोर्टी नाइन क्या होता है थ्री फोर थ्री अब फोर्टी नाइन को किससे होगा सेवन से सेवन सेवन जो 49, seven, a, sorry, seven, तो क्या क्या आ गए इसके कितनी दफा दफा तीन दफा. माइनस है अगर चार दफा आती तो प्लस बन जाता तो अब क्या है one, three, three, one है यहाँ पे तो इसको भी करेंगे इसको किससे होगा seven, उसको भी अलेवन से देखेंगे इसको क्योंकि मैंने देखा इसका टू से नहीं होता है थ्री से नहीं होगा होता है फाइव से नहीं होता है सेवन से नहीं होता है डायरेक्ट अलेवन से होता है अलेवन वन ज़ा अलेवन बचे कितने दो यहाँ चले गए ये बन गए ट्वेंटी टू अलेवन टू ज़ा ट्वेंटी टू बचे कितने वन यहाँ चला गया अलेवन वन ज़ा अलेवन तो फिर अलेवन वन ज़ा अलेवन बचा कितना वन वो चला गया इधर अलेवन अलेवन ज़ा तो फिर अलेवन वन ज़ा तो इसका कितना आया अलेवन इंटू अलेवन इंटू अलेवन दोनों का क्या आया सेवन रेजर पावर थ्री और एलेवन रेजर पावर थ्री तो क्या आया आंसर अगर हम कॉमन लेंगे इसको जब बेस बे पावर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं जैसे हमने अभी पढ़ा था सेवन डिवाइड बाई अलेवन रेजर पावर थ्री लेकिन माइनस है यहाँ पे पावर नेगेटिव ऑड आया तो माइनस दोनों का लेंगे अगर एवन आ जाता तो माइनस माइनस प्लस बन जाता और माइनस माइनस प्लस बन जाता वो प्लस बन जाता इसलिए यहाँ पर माइनस सेवन डिवाइड बाई अलेवन रेज पावर थ्री दूसरा क्या है इसी का माइनस थर्टी टू डिवाइड बाई टू फोर्टी थ्री यहाँ पर थर्टी टू है तो डायरेक्टली एल्सीम किस से होगा एवन से होगा टू से होगा टू सिक्सटीन जा टू एट जा टू फोर जा टू टू जा एंड टू, जा, टू, टू, जा टू वन जा तो टू टाइम्स फाइव टू इंटू फाइव टाइम्स फोर एंड फाइव तो फाइव टाइम्स तो यहाँ पर भी आया तो माइनस ही आएगा हाँ क्योंकि आड़ आ गए अब टू फोर्टी थ्री टू फोर्टी थ्री टू से नहीं होगा थ्री से देखेंगे थ्री एट ट्वेंटी फोर थ्री वन थ्री फिर से देखेंगे थ्री टू जॉ सिक्स बचे कितने टू वो चले गए था थ्री सेवन ट्वेंटी वन थ्री नाइन जॉ ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन एंड थ्री वन जा तो इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए फाइव टाइम्स थ्री इसके भी आ गए तो इसका भी आंसर क्या आएगा माइनस टू बाई थ्री रेजर पावर दोनों का फाइव फाइव टाइम्स यहाँ पे भी है ना तो मैंने ये ऐसे नहीं लिखा मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा समझ आ गया अब तीसरा पार्ट है वो देख लेना अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन बोल रहा है मैं राइट नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इंटू नाइन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस में एक्सपोनेंशियल में जिसमें पावर होगा लेकिन टेकिंग बेस थ्री थ्री होनी चाहिए बेस वो हम कैसे लिखेंगे नाइन को अगर हम देखेंगे थ्री से बेस के से नाइन के एलसीएम निकालेंगे थ्री थ्री ज़ा नाइन थ्री वन जा तो थ्री रेजर पावर टू आएगा ना इसका तो बन गया ना इसकी बेस थ्री तो ओबियसली इनके भी हो गया ऐसे ही थ्री रेजर पावर टू थ्री रेजर पावर टू एंड थ्री रेजर पावर टू यहाँ तक समझ आ गया अब मल्टीप्लाई करो कामन करो इनको बेसिस सेम है तो बे, बेसिस जब सेम होंगे तो क्या करेंगे पावर जब बेसिस सेम होंगे पावर्स ऐड होते हैं थ्री रेज पावर टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू थ्री रेज पावर एट समझ आया अब सेम है दूसरा पार्ट इसी का राइट एट इंटू एट इंटू एट इन एक्सपोन बेस टू बेस टू तो एट की बेस देखेंगे हम पहले एट को डिवाइड करेंगे टू 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 फोर जी एट टू टू जी फोर टू वन तो एट किस फार्म में हमने लिखा लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फार्म में टू रेजर पावर थ्री क्योंकि टू थ्री टाइम्स अगर हम मल्टीपल करेंगे वही एट आएगा तो इसका भी लिखेंगे टू रेजर पावर थ्री और इसका भी लिखेंगे टू रेजर पावर थ्री जब बेसिस सेम होंगे पावरस एड होते हैं तो बेसिस क्या है टू और पावर थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री नाइन तो क्या आएगा आंसर टू रेज पावर नाइन एक्सपोनेंशियल फार्म में और बेस भी टू ही आ गई यहाँ पे बेस भी थ्री है अब है क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री का पहला ये है सिंपलीफाई टू रेजर पावर थ्री इन टू टू और रेजर पावर टू इसको क्या करेंगे पहले हम ब्रैकेट के अंदर से देखेंगे उसको हम पावर्स हटाएंगे तो अगर हम टू रेजर बेस दोनों में टू है तो क्या करेंगे बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड थ्री प्लस पावर कुछ नहीं है कुछ अगर किसी को कुछ नहीं होता तो वन होता ही है समझ आया टू इंटू वन होता है टू ही तो अब क्या होगा टू रेज पावर थ्री प्लस वन वो होता है टू रेज पावर फोर और अपना बे क्या है टू अपना जो पावर है होल पावर है वो टू है तो बेस जब सेम डिफर, है पावर दोनों डिफरेंट हैं पावर्स दोनों डिफरेंट है और पावर ऑफ़ द पावर जो हमने अभी पढ़ा जो हमने अभी जस्ट वेट जब हमने पढ़ा अभी टेकिंग पावर ऑफ़ द पावर पावर ऑफ़ द पावर हम लेते हैं तो हम क्या करते हैं वहाँ पे पावर्स को मल्टीपल करते हैं फोर इंटू टू तो को, क्या होता है टू इंटू एट तो क्या किया मैंने यहाँ पे पहले अंदर ब्रैकेट के अंदर जो पावर्स थे उनको देखा वहाँ पे बेस सेम थे उनको प्लस किया पावर्स को बेस आर सेम पावर्स आर एडेड और होल पावर जो था उसको फिर पावर ऑफ़ द पावर लिया तो वो कितना हुआ पावर ऑफ़ द पावर जब मल्टीपल होता करते हैं हम तो फोर इंटू टू एट अब दूसरा पार्ट इसी का है दूसरा पार्ट क्या है इसका फाइव रेजर पावर एट डिवाइड बाई फाइव रेजर पावर थ्री इंटू फाइव रेजर पावर थ्री जब हम लेते हैं फाइव रेजर पावर एट को ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे बेस सेम है पावर्स को क्या करेंगे बेस आर सेम पावर्स आर एडिड यहाँ पे है फाइव रेज फाइव रेजर पावर फाइव फाइव रेजर पावर फाइव प्लस थ्री फाइव प्लस थ्री वो कितना होता है फाइव रेजर पावर एट डिवाइड बाई फाइव रेजर पावर एट जब पावर भी सेम होंगे और जब मैंने लास्ट वाला दिखाया था ए रेजर पावर जीरो वो होता है वन तो वहाँ यहाँ पे भी वही फॉलो होता है फाइव रेजर पावर एट माइनस एट वो कितना होता है फाइव रेजर पावर ज़ीरो तो फाइव रेजर पावर जीरो किसके बराबर होगा वन या अगर हम ऐसे भी देख सकते हैं ये और ये दोनों बराबर हैं तो काट ही भी हो जाएंगे तो आंसर ही आएगा समझाया? अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट क्या है यहां पे क्या करेंगे यहां पे पहला पार्ट है टू रेज पावर सेवन डिवाइड बाई टू रेज पावर थ्री इन टू टू रेज पावर फाइव पहले ब्रैकेट के अंदर से देखेंगे बेसिस सेम है पावर एड है तो हम क्या करेंगे टू डि टू कॉमन लेंगे टू को और सेवन माइनस थ्री करेंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इधर बिकॉज ए रेजर पावर एम डिवाइड बाई ए रेजर पावर एम इज इक्वल टू ए रेजर पावर एम माइनस एन अगर आप ये इधर साइड में लिखोगे तो इसे बहुत इजी होगा आपको याद भी रहेगा अब क्या करेंगे इन टू टू रेजर पावर फाइव टू रेज पावर फोर सेवन माइनस थ्री फोर इन टू रेज पावर फाइव अब बेसिस दोनों सेम आ गए तो क्या करेंगे बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड फोर प्लस फाइव तो कितना आता है टू रेज पावर नाइन अब दूसरा पार्ट क्या है होल ब्रैकेट है सबका और अंदर से करोड़ ब्रैकेट जो है जो ये लॉन्ग ब्रैकेट है टू रेज पावर टू होल रेज पावर फोर इंटू थ्री रेज पावर एट फिर पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये करो ख़त्म करेंगे क्योंकि बेस, बेस एक है और पावरस क्या है पावर्स डिफरेंट हैं तो क्या करेंगे टू रेजर पावर टू फोर रेजर पावर फोर इंटू थ्री रेजर पावर एट फाइव रेजर पावर तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज बिकॉज ए रेज पावर एम सॉरी ए रेजल पावर एम हो रेजल पावर एम बराबर होता है ए रेजल पावर एम इंटू एन तो यहाँ पे भी वही करेंगे ए के बदले क्या है टू टू रेजल पावर टू इंटू फोर टू इंटू फोर यहाँ पे मैंने मल्टीपल किया ना जब पावर्स डिफरेंट थे तो क्या किया एम इंटू एम टू इंटू फोर इंटू थ्री रेजल पावर एट हो रेजर पावर फाइव रेज पावर एट यहाँ पे क्या करेंगे टू फोर्टोज़ा एट और थ्री रेजल पावर एट होल इंटू फाइव रेजल पावर एट अब क्या करेंगे बेसिस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ए रेज पावर एम इंटू बी रेज पावर एम बराबर होता है जो मैंने अभी पढ़ाया आपको ए रेज ए बी रेज पावर एम कॉमन लेते हैं हम पावर तो यहाँ पे भी यहां पे भी क्या करेंगे टू इंटू थ्री को का लेंगे और पावर लेंगे एट को होल डिवाइड बाई तो फाइव यहां पे भाई पावर एट आ गया और इंटू जो लॉन्ग ब्रैकेट है इंटू रेजर पावर एट। सेम यही स्टेप फॉलो होगा डिफरेंट पावर सेम है तो सिक्स इंटू फाइव कॉमन लेंगे हम रेजर पावर या ब्रैकेट लेंगे रेजर पावर एट तो सिक्स फाइव थर्टी रेजर पावर एट तो आंसर क्या है थर्टी रेजर पावर एट स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है आपको ईजीली आ जाएगा अब क्वेश्चन नंबर फाइव है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टू बाई सेवन रेज पावर माइनस थ्री टू बाई सेवन रेज पावर माइनस अलेवन टू बाई सेवन रेज पावर सेवन बाई एक्स अगर आप कहीं पे भी देखोगे माइनस थ्री जब पावर होता है तो जो नंबर होता है बेस होती है वो डिव... रेसिप्रोकल होता है उसका लेकिन हम यहाँ पर सबका माइनस ही है तो हम नहीं बनाएंगे रेसिप्रोकल तो हम डायरेक्टली देखेंगे जब बेस सेम होंगे पावर्स को क्या होता है ऐड करना होता है टू बाई सेवन बेस सेम है पावर्स को ऐड करना माइनस थ्री प्लस माइनस अलेवन इज इक्वल टू टू बाई सेवन सेम है ना यहाँ पे भी तो सेवन एक्स तो क्या करेंगे टू बाई सेवन माइनस थ्री प्लस माइनस प्लस होता है ना माइ सॉरी माइनस प्लस माइनस अलेवन माइनस प्लस माइनस अलेवन तो यहाँ पे टू बाई सेवन रेज द पावर सेवन एक्स तो टू बाई सेवन माइनस थ्री माइनस अलेवन वो होता है माइनस माइनस प्लस और थ्री प्लस अलेवन जब सेम साइनस होते हैं तो उन्हें प्लस करना होता है तो क्या आएगा अलेवन प्लस थ्री फोटीन और माइनस आएगा अब उसके बाद टू बाई सेवन लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए बराबर हमें राइट हैंड साइड तो हम क्या करेंगे एक्स के लिए यहाँ पे पावर फोटीन आया यहाँ पे सेवन है सेवन को क्या करेंगे मल्टीपल वो बनेगा फोटीन ये है ना मल्टीपल में उसके तो हम पावर लेंगे सेवन एक्स इज इक्वल टू माइनस फोरटीन पावर खाली लेंगे तो एक्स को क्या करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन जो मल्टीपल में है यहाँ पे वो डिवाइड में चला जाएगा सेवन वन जा सेवन टू जा तो एक्स इज इक्वल टू माइनस टू अगर हम चेक भी कर सकते हैं फिर सेवन इंटू माइनस टू वो होता है माइनस फोर्टीन ही समझ आया अब है इसी का दूसरा पार्ट वो आप कर लेना वो वो भी इजी है तो नहीं आएगा तो मुझे बताना अब है क्वेश्चन नंबर सिक्स देखो बेटा यहाँ पे क्या है थ्री बाई फाइव रेज पावर थ्री इंटू थ्री बाई फाइव रेज़ पावर माइनस टू इंटू लॉन्ग ब्रैकेट करोड ब्रैकेट वन बाई टू रेजर पावर टू होल रेजर पावर माइनस टू यहाँ पर भी है माइनस टू यहाँ लेकिन यहाँ पे प्लस टू है तो हमें इसको रेसिप्रोकल बनाना है और इसको भी जहाँ पे ये आएगा उसको भी रेसिप्रोकल बनाना रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा बनाना होता है बेस को तो हम क्या लिख सकते हैं थ्री बाई फाइव रेजर पावर थ्री इंटू वो हम लिखते हैं वन डिवाइड बाई थ्री बाई फाइव वही होता है रेसिप्रोकल थ्री फाइव बाई थ्री तो फाइव पावर पॉजिटिव बनाने के लिए फाइव बाई थ्री रेजर पावर टू इंटू पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे फिर रेसिप्रोकल करेंगे इससे क्योंकि ये दो दो पावर्स हैं यहाँ पे तो हम क्या करेंगे वन टू इंटू टू कितना होता है वन बाई फोर टू टू जा, फोर टू टू टाइम्स तो रेजर पावर माइनस टू समझ आया ये वाला टू सॉल्व हमने किया क्या किया वन इज वन इंटू वन वन ही होता है टू इंटू टू फोर होता है इंटू वन बाई ट्वेंटी फोर यहाँ पर माइनस हैं तो पहले रेसिप उसको भी करेंगे थ्री बाई फाइव रेजर पावर थ्री इंटू फाइव बाई थ्री रेजर पावर टू इंटू अब यहाँ पे माइनस है तो उल्टा हो जाएगा फोर बाई वन रेजर पावर टू क्योंकि पावर पॉजिटिव आना चाहिए अब आ गया यहाँ पे अब क्या करेंगे इसको डिवाइड एक्सपेंड करेंगे थ्री बाई फाइव इंटू थ्री बाई फाइव इंटू थ्री बाई कितनी दफ़ा तीन दफ़ा फाइव बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री दो दफा इंटू फोर बाई वन इंटू फोर बाई वन इंटू वन बाई ट्वेंटी फोर हा हो गया ना सालों यहाँ पे अब क्या करेंगे एक्सपेंड क्या है ये फाइव ये फाइव काट हो जाएगा ये फाइव ये फाइव काट हो जाएगा ऊपर और नीचे वाले क्योंकि मल्टीपल में है थ्री और थ्री थ्री और थ्री बचा गया यहाँ पे थ्री बाई फाइव इंटू यहाँ पे भी देख सकते हैं फोर वन फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर समझ आया बचा क्या ऊपर थ्री इंटू फोर थ्री बाई फाइव फोर बाई वन इंटू वन बाई सिक्स यही बचाना थ्री फोर फाइव सिक्स तो वन वन मैंने लिखा क्योंकि यहाँ पे शेप देने के लिए थ्री बाई फाइव इंटू फोर बाई सिक्स भी लिख सकते हैं फोर वन जा फोर सिक्स वन जा सिक्स तो ये क्या आएगा थ्री फोर जॉ टल्व डिवाइड बाई थर्टी सिक्स फाइव थर्टी अगर हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में देखेंगे एस सी एफ निकालेंगे पहले एस सी एफ इन दोनों का क्या होता है थर्टी टूवेल्व टू ज ट्वेंटी फोर बचे कितने एस सी एफ निकालते हैं बाईकोडिस डिविजन से मैंने निकाला यहाँ पे बचे कितने सिक्स और इस वाले ट्वेल्व को यहाँ पे लाया सिक्स टू जुवेल्व तो ए सी एफ क्या आया जीरो यहाँ पे ए सी एफ सिक्स आएगा डिवाइड दोनों को करना है सिक्स से ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स कितना होता है टू सिक्सटी डिवाइड बाई थर्टी डिवाइड बाई स होता है कितना होता है फाइव तो आंसर आया टू डिवाइड बाई फाइव समझ आया अब है क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है हमें बाई वाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई हमें कौन सा नंबर होगा वो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एट रेजर पावर माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे कौन सा नंबर जो हमें प्रोडक्ट देगा टूल रेजर पावर माइनस वन पावर माइनस वन है तो रेसिप्रोकल करेंगे रेसिप्रोकल कैसे करेंगे यहाँ पे वन है नहीं एट है एट को डिवाइड में वन लिखेंगे तो एट ही आएगा लेकिन रेसिप्रोकल करने में हमें इजी होगा तो यहाँ एट डिवाइड बाई वन रेजर पावर माइनस वन जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर्स पॉजिटिव आते हैं इज इक्वल टू टूवेल्व डिवाइड बाई वन रेजर पावर माइनस वन तो रेसिप्रोकल इसका क्या होगा उल्टा होगा वन डिवाइड बाई माइनस एट रेजर पावर वन इंटू एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टूवेल्व रेज पावर वन यहाँ तक समझ आया अब क्या करेंगे वन वन को मल्टीप्लाई करो वन से वन को एट को मल्टीप्लाई करो एट से तो वन डिवाइड बाई माइनस एट ही आएगा इंटू एक्स वन डिवाइड बाई माइनस एट और डिवाइड बाई वन डिवाइड बाई टूल्व जो यहाँ पे मल्ट इनको करो आपस में मल्टीपल एक्स इन वन एक्स डिवाइड बाई माइनस एट इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टूवेल्व तो यहाँ पर क्या करेंगे हम एक्स को एक्स डिवाइड बाई एट डिवाइड में है यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड के इक्वल टू तो इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा एक्स को हम ऐसे वन डिवाइड बाई टूवेल्व और एक्स को हम इस साइड लेंगे और ये पॉजिटिव ये हाँ यहाँ यहा, किस में आएगा मल्टीपल में समझ आए यहाँ पे क्या किया हमने एक्स डिवाइड बाई माइनस एट इक्वल टू वन डिवाइड बाई एक्स टू वन डिवाइड बाई माइनस एट तो मल्टीपल काट काट करो का, 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 यहाँ पे टू फोर जट टू सिक्स ज़ार टूवेल्व या ऐसे लिखो पहले आप एक्स इज इक्वल टू एट वन ज़ा एट माइनस एट डिवाइड बाई ट्व तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप टू फोर ज़ा एट टू सिक्स ज़ा टूवेल्व टू टू ज़ा फोर टू थ्री ज़ा सिक्स तो माइनस टू डिवाइड बाई थ्री समझ आया अब है सेम वैसा ही दूसरा भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट है बाय वट नंबर शुड वे मल्टीप्लाई थ्री रेज पावर माइनस थ्री टू अपन फाइव एज ए प्रोडक्ट तो हम थ्री रेज पावर माइनस थ्री को क्या करेंगे मल्टीपल एक्स हम ले सकते हैं लेट द एक्स एंड प्रोडक्ट हमें फाइव आना चाहिए तो थ्री रेज पावर थ्री को क्या करेंगे पॉजिटिव यहाँ पे ये यह रेसिप्रोकल को कन्वर्ट करना है जब हम इसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करेंगे थ्री डिवाइड ये आएगा थ्री डिवाइड बाई वन रेज पावर माइनस थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइव रिसिप्रोकल में कन्वर्ट करने के लिए पावर पॉजिटिव आएगा वन डिवाइड बाई थ्री रेज पावर थ्री इंटू एक्स इज इक्वल टू फाइव तो एक्स को क्या करेंगे एक्स को एज इट इज नीचे ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे हम x को ऐसे ही लिखेंगे फाइव को ऐसे लिखेंगे और जो ये पा यहाँ पे डिवाइड में है वन डिवाइड बाई थ्री रेज पावर थ्री तो इसको हम इस साइड मल्टीपल में लेंगे क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है इक्वल टू इस साइड तो यहाँ पे मल्टीपल x इज इक्वल टू फाइव इंटू तो थ्री थ्री नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन एक्स इज इक्वल टू वन थर्टी फाइव तो दूसरा नंबर क्या आया हमें वन थर्टी फाइव अब है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन रहा है इफ़ माइनस सेवन रेज पावर माइनस वन इज मल्टीप्लाइड बाई नंबर द प्रोडक्ट ऑपटेनड इज सिक्स तो पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन ही क्या बोल रहा है अगर हम माइनस सेवन रेज पावर माइनस वन को मल्टीपल करेंगे एक्स तो प्रोडक्ट हमें आएगा इसने प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई करना होता है जब डिवाइड बोलेगा तब डिवाइड करना सिक्स डिवाइड बाई सेवन रेज पावर माइनस अब यहाँ पे माइनस पावर है तो रेसिप्रोकल करेंगे इसको माइनस सेवन डिवाइड बाई वन रेजर पावर माइनस वन इंटू एक्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई सेवन रेजर पावर माइनस वन जब इसको उल्टा करेंगे तो ये पावर पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे वन डिवाइड बाई माइनस सेवन रेजर पावर वन लिखो या ना लिखो वन पॉजिटिव वन करो पावर तो सेम नंबर ही आएगा इज इक्ल टू सेवन डिवाइड बाई सिक्स अब ये जो डिवाइड में है यहाँ पर तो इस साइड चलेगा

डिवाइड बाई टेन रेज पावर थ्री इंटू हमें एक्स का वैल्यू नहीं निकालना है हमें बस सिंपलफाई करना है इसको तो हम कैसे करेंगे ट्वेंटी फाइव सिंपलीफाई मीनज सिंपलफाई सिंपल मीनिंग में है इंटू फाइव इंटू फाइव फाइव स्क्र इंटू एक्स रेज पावर एट होल डिवाइड बाई टेन इंटू टेन इंट टेन इंटू एक्स रेज पावर फाइव यहाँ तक समझ आया फाइव फाइव सा ट्वेंटी फाइव और यहाँ पर हम क्या करेंगे ऊपर वाले मल्टीपल में से नीचे वाले मल्टीपल काट करेंगे फाइव वन ज़ा फाइव टू ज़ा टेन फाइव वन ज़ा फ़ाइव टू ज टेन टेन टू जॉरी फाइव टू ज टेन फाइव फाइव ज़ा ऊपर क्या बचा फाइव वन वन एंड एक्स एट फाइव एक्स एट नीचे टू 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 इंटू टू टू ज फोर टू ज़ा एट इंटू एक्स फाइव अब एक्स फाइव सेम बेस है और डिनमिनेटर डिफरेंट ये पावर डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे एक्स डिवाइड बाई एट जब हम जब हम ए डिवाइड बाई बी रेजड सॉरी ए डिवाइड बाई ए करते हैं रेजड पावर एम एन तो वो क्या आता है फार्मूला जो मैंने ला दिखाया ए रेज पावर एम माइनस एन सेम वैसे यहाँ पे एक्स डिवाइड बाई एक्स एट फाइव तो एट माइनस फाइव एक्स रेज पावर एट माइनस फाइव वो कितना होता है एक्स रेजर पावर थ्री तो एक्स रेजर पावर थ्री फाइव डिवाइड बाई एट रेज इंटू एक्स रेजर पावर थ्री तो ये है आंसर अब है क्वेश्चन अब है दूसरा पार्ट इसी का थ्री रेज पावर फाइव इंटू टेन रेज पावर फाइव इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई फाइव रेज पावर सेवन इंटू सिक्स रेजर पावर फाइव तो इसको क्या करेंगे तो देखेंगे थ्री रेज पावर कितनी दफा लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव टेन कितने दफ़ा फाइव दफ़ा टेन टेन टू टेन टू टेन और इंटू टी फाइव डिवाइड क्या लिखेंगे फाइव इंटू फाइव इंट फाइव इंट फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव सेवन टाइम्स लिखना है और सिक्स कितने टाइम्स सिक्स इंटू सिक्स अगर बेस सेम होती या यहाँ पे पावर सेम है उसको भी हम कर सकते हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पे दिखाया आपको ये इजी तरीका ऐसा होता है तो मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे पावर जब सेम होते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट है ना पा पावर्स तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं और बेसिस भी डिफरेंट हैं तो यहाँ पर वो फॉलो नहीं होगा वन टू थ्री फोर फाइव तो अब हम क्या करेंगे थ्री इंटू थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स 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 समझ आया यहाँ से अब फाइव वन ज़ा फाइव फाइव टू ज़ा टेन 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 फाइव टू ज़ा टेन फाइव फाइव ज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव कैंसल अब यहाँ पे टू 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 फाइव टाइम टू फाइव टाइम टू तो ये कैंसल ऊपर बचा वन नीचे बचा वन तो आंसर क्या आएगा वन ही समझ आया आप डायरेक्ट कर सकते हो थ्री थ्री जो नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन कैलकुलेटर पे, वो यहाँ पे आएगा आंसर वो डिवाइड सेम वही आएगा यहाँ पे भी डिवाइड में तो ये था पार्ट भी अब है क्वेश्चन नंबर अलेवन फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ फाइंड द एनीथिंग रेजर पावर जीरो इज इक्वल टू वन जो मैंने ला लास्ट वाला ला पढ़ाया आपको जो मैंने लास्ट वाला ला पढ़ाया आपको यहाँ पे नंबर्स विद एक्सपोनेंट पोनेट ज़ीरो नंबर विथ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू वन यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए रेज पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन इससे आपको याद रहेगा तो क्या करेंगे यहाँ पे भी वन आएगा और वन आएगा यहाँ पे वन वन सा वन ही आएगा रेसिप्रोकल ऑफ वन वन डिवाइड बाई किसी भी नंबर को डिवाइड वन करो तो नंबर एट ही आएगा तो वन डिवाइड बाई वन क्या होता है वन ही होता है तो रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन दूसरा पार्ट क्या है इसी का दूसरा पार्ट क्या है यहाँ पे पावर पॉजिटिव है तो रेसिप्रोकल क्या होता है उल्टा होता है तो माइनस सेवन डिवाइड बाई फाइव रेज पावर सेवन अब है तीसरा पार्ट भी क्या है इसका माइनस फोर डिवाइड बाई थ्री माइनस फोर रेज पावर थ्री सॉरी पाठ तो इसको क्या करेंगे किसी भी नंबर को जब कुछ डिवाइड नहीं होता तो वन होता है तो वन डिवाइड बाई फोर लेकिन माइनस है रेज पावर थ्री आंसर रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल होता है उल्टा अब है क्वेश्चन नंबर सिंपलीफाई सिंपलीफाई अब है क्वेश्चन नंबर टूवेल्व सिंपलीफाई फाई सेवन रेज पावर माइनस वन प्लस थ्री रेज थ्री बाई टू रेज पावर माइनस वन हो रेज पावर माइनस वन तीनों में माइनस वन है तो रेसिप्रोकल हम करेंगे इनको तो क्या करेंगे सेवन को कुछ नहीं डिवाइड में तो वन लिखेंगे हम सेवन डिवाइड बाय वन रेजर पावर माइनस वन प्लस थ्री डिवाइड बाय टू रेजर पावर माइनस वन हो रेजर पावर माइनस अब क्या करेंगे पॉजिटिव बनाने के लिए तो रेसिप्रोकल करेंगे इसको उल्टा करेंगे वन डिवाइड बाई सेवन तो प्लस वन करो या पॉजिटिव पावर वन लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं है उसमें से तो प्लस इसको भी करेंगे टू डिवाइड बाई थ्री यहाँ पे प्लस है अभी तक हम मल्टीपल कर रहे थे याद रखना है अब रे होल पावर तो इसको आपस में मल्टीपल करेंगे क्रॉस मल्टीपल कैशन करेंगे थ्री वन ज़ा थ्री प्लस सेवन टू ज़ा फोर्टीन डिवाइड बाई सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन और जो हमें होल पावर क्या है माइनस वन तो ये कितना बना सेवनटीन डिवाइड बाई ट्वेंटी वन रेजर पावर माइनस वन रेसिप करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आना चाहिए पावर तो ट्वेंटी वन डिवाइड बाई सेवेंटीन प्लस पावर वन लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं है समझ आया ये था क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का ए पार्ट अब है अब है बी पार्ट फाइव रेज पावर माइनस वन माइनस फोर रेज पावर माइनस वन फोर रेज द पावर माइनस वन प्लस टू रेज पावर माइनस वन माइनस थ्री रेज पावर माइनस वन पावर्स को कन्वर्ट करने के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करना है हमें डिवाइड वन करना है डिवाइड वन करना है उसके बाद क्या करना है फिर यहाँ पे जब ये कन्वर्ट किए फिर उसके बाद ये करना है और प्लस करना है दोनों में जो आएगा वो कर देख लेना और यह है होमवर्क जो जिसको नहीं आएगा वो मुझे बता देना थैंक यू